रतलाम जिले में पुलिस पर हमला करने वाले जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला और फिर कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल पुलिस को जिला बतर आरोपी एजाज पहलवान द्वारा क्षेत्र में जुआ संचालन की सूचना मिली थी। सूचना पर जब टीम कार्रवाई के लिए पहुंची तो मौके पर मौजूद आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे दो पुलिस कर्मियों को चोट आई थी। साथ ही आरोपी की पत्नी और जुआ खेल रहे बाकी लोगों ने आरोपी एजाज को पुलिस की पकड़ से छुड़ा कर वहां से भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। पहलवान जो एक हमारे यहाँ का एचएस भी है और जिला बदर भी है, उसे पता चला कि उसकी जो गुआरी है वहाँ पर वो जुआ चला रहे बड़े पैमाने पे। हमारे द्वारा वहाँ रेड की गई और वहाँ जुआ खेलते करीब 15-16 लोग मिले थे, जिसमें से दो लोग पुलिस के साथ जिस जवान ने एजाज फिर को पकड़ा था जुआ खेलते, उसके साथ मारापीटी करे, जिससे उसको चोटें भी आई है और उसको वहाँ से उसकी पत्नी और दो तीन महिला होती जिसको छुड़ाकर खींचकर वहाँ से लेके गई है। बाकी सारे आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, कुल 13 आरोपी हमने गिरफ्तार करके थाने लेके आए हैं और जुआ रकम 1,40,800 रुपये प्राप्त की गई है और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर अभी न्यायालय पेश किया जा रहा है। चूंकि साक्षी कार्य बाधा भी इनके द्वारा की गई थी, वो भी धारा इसमें इजाफा किया गया है।